जनाब जनाब, अरे यार एक मिनट जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो यार बात ये है कि पुरानी गाड़ी और पुरानी गाड़ी के मसाइल वो तो है यार, क्योंकि आपको नई गाड़ी वाली चीज़ें डेफिनेटली उसके अंदर नहीं होती हैं, सारी चीज़ें पुरानी होती हैं। अब जो मेरे पास ये गाड़ी है सुजुकी हैबर, ये 1996 की है। अब 1996 से बंदा अगर लगाए तो राइट नाउ वी आर इन 2021, 21 साल और 24, 25 साल पुरानी गाड़ी यार, मतलब मुझसे चंद साल छोटी। तो वो गाड़ी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि यार वो आपको 2021 वाली परफॉर्मेंस देगी? डेफिनेटली नॉट। तो बस ये है कि यार आपको बस देख कर चीज़ें चलानी होती हैं, चीज़ें होती हैं। और आप जब भी हम पुरानी गाड़ी खरीदते हैं हम क्या चीज़ देखते हैं? इंजन सही है, बॉडी ठीक है, सस्पेंशन सही है, बस बाकी अब हम उसका कोई अंदर तो नहीं घुस जाते ना उसके, बिल्कुल ही, तो बस वही वाली चीज़ है यार। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पुरानी गाड़ी पुरानी ही होती है भाइयों, चाहे वो कोई भी हो। और जो मेरा भी अभी बस 10 दिन में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी काम थे जो मुझे पहले से पता था कि यार ये मुझे करवाने, वो तो मैंने करवाए, लेकिन कुछ जो सडन काम थे वो बड़े सरप्राइजिंग होते हैं। जैसे कल हुआ ये कि रेडिएटर का फ़ैन बंद हो गया, गाड़ी हीटअप हो गई। अब ये बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। और सेम केस विद एक और इसका वो इग्निशन कह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं यार उसको, नाम यार सेल्फ यार इसका ख़राब हो गया। अब वो मैं समझ रहा हूँ कि ये बैटरी का मसला है, बैटरी का मसला नहीं था, कितना टूटा फूटा रोड है यार, बैटरी का मसला नहीं था वो, बल्कि उसका मसला था, इग्निशन का, ये सेल्फ का मसला था। तो फिर वो करवाया, 3500 रुपये मेरे उसमें लग गए, पंखा ये वो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। आपको जब आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो मेंटली आप तैयार रहें, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है जनाब। तो बस ये बात है, बाकी आप लोग सुनाएं कैसे हैं, ठीक है, बस क्या से हमें। बाकी मैंने वो जो कमेंट्स पढ़े थे बहुत सारे लोगों के, जो मेरे 1000-2000 जब मेरे सब्सक्राइबर थे तब से लोग मुझे देख रहे हैं, उनका तो यार बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल, आई लव एवरीवन, बट स्पेशली दोस्त जो मेरे पास जो फर्स्ट 1000 थे यार, क्योंकि वो बिल्कुल बेस होती है। उस टाइम आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, उस टाइम जो आपको सपोर्ट मिलती है आपको उसको हमेशा याद रखना चाहिए। वैसे ही ना यार, आप जितने बड़े मर्जी इंसान बन जाओ, जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन जो वो आपकी शुरू में मदद करते हैं ना, जब आप बिल्कुल पैदल होते हो या जब आप बिल्कुल ही कहीं के नहीं होते हो, और जो आपको उस टाइम सहारा देते हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए यार, फिर चाहे आप भाई आपका पर्सनल ब्लेम क्यों ना हो जाए। सो रिमेंबर दिस, मैं ऐसा बंदा हूँ यार, मैं नहीं भूलता हूँ एटलीस्ट। तो बस ये बात है, बाकी कुछ नहीं, जिंदगी चल रही है। हर एक की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, वैसे ही हमारी भी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच गाइस, अरिविदर्शी। अच्छा आज मैं बोलूँगा, आप लोग मेरे साथ बोलोगे, ठीक है? जो जो जिन जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखी और जो अभी तक ये वाला सीन देख रहे हैं वो मेरे साथ बोलेंगे। सो से अरिविदर्शी, हस्ता ला विस्ता, हबीबी या हबीबी, ये करना ज़रूरी है, एक मिनट ये करना जरूरी है, या हबीबी से, या हबीबी।